आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है, वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सदैव से इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवमानना करती रही है। इसका एक उदाहरण एक बार फिर से देश ने देखा है। हमारे लोकप्रिय नेता और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक पंजाब के अंदर हुई है वह अक्षम्य है, और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुराभिसंधि को प्रदर्शित करता है। यह देश इस प्रकार की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ किए गए खिलवाड़ के लिए उन्हें देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह सीधे सीधे देश की संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना है। और मुझे लगता है कि देश कभी भी इस प्रकार की कांग्रेस की शरारतपूर्ण साजिशों को सफल नहीं होने देगी।